वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफी दिनों से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भैया 100 के ऊपर वीडियो बनाओ, 100 के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ 100 का पूरा प्रीव्यू लेके, कंप्लीट टूर्नामेंट का। वैसे तो मैंने सोचा था कि जो ये चार टीमें बची हैं इसकी, ट्रेंड आपको बता दूँ, चार टीमों को प्रीव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो मेरे अदर चैनल जो है वीनस क्रिकेट पीडियस पर ऑलरेडी पड़े हैं चारों वीडियोस, ट्रेंट रॉकेट, साउदर्न ब्रेव, मैनचेस्टर और लंदन। ये चार टीमों को प्रीव्यू मैं कर चुका हूँ, उनके वीडियोस मेरे अदर चैनल पड़े हैं। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप से रिक्वेस्ट जाकर देख लेना। तो आज बात करेंगे 100 में, क्या 100 से हमें क्या उम्मीदें हैं, कैसा टूर्नामेंट होगा, क्या हमें टूर्नामेंट में करना चाहिए, क्या रूल्स हैं, क्या वेन्यूज हैं, सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, और आप बिना समय गवाए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ऑब्वियसली बात है, एक महीने लंबे टूर्नामेंट को अगर हम बात करने जा रहे हैं तो ये वीडियो ऑब्वियसली बात है और वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, यानी कि 15-20 मिनट का जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले ये ईसीबी लाया क्यों? देखो भैया, गोरे जो है ना, गोरों ने हम पे 200 साल राज किया, मतलब हिंदुस्तान में भी किया, पाकिस्तान में भी किया, पहले ये एक था ना हिंदुस्तान, तो उनको ये बात घमंड है कि यार क्रिकेट साला हम स्टार्ट किए, बैटिंग साला हम स्टार्ट किए, ठीक है, सारा चीज हमारे यहाँ चलता है, और साला ये इंडियंस जो है ये राज कर रहे हैं आज क्रिकेट पे है, तो ये चीज उनको हजम नहीं हो रही है, तो इसलिए। और दूसरा, उन्हें कम्पीट करना है आईपीएल के साथ। गोरे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस चीज को उन्होंने शुरुआत किया उसमें इंडियंस उनसे कहीं आ गए, ठीक है। ये ह्यूमन फीलिंग है, वो हमारे साथ भी है। दूसरी चीज क्या है कि लूजिंग ग्रिप ऑन आईसीसी, और तीसरी चीज है लूजिंग रेवेन्यू शेयर। आईसीसी पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, और जो रेवेन्यू शेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में वो कम हो रहा है। आपको बता दूं, 88% जो रेवेन्यू है वो इंडियन मार्केट से जनरेट होता है, तो सीधी बात है भैया, जो पैसा लाएगा वही राज करेगा मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब 100 में 88 रुपया इंडिया मार्केट से आ रहा है, अब आप इंडिया को कैसे इग्नोर कर दो? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उनको यही है कि भैया देखो, बैटिंग साला हम स्टार्ट किए, सारी चीज लंदन चलती है, फिर चेन चलती है वहां से दुबई, फिर वहां से एक लाइन जाती है कराची, आपकी मुंबई, कराची में हैंडल करते उसको दाऊद, क्लिफ्टन रोड पर बैठ के। जो लोग कराची में होंगे मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगी कि दाऊद वहां रहता है। अब लोग बोलेंगे मेरे को कैसे पता, तो वो छोड़ दो, कैसे कैसे पता। दूसरी बात आती है कि आपका मुंबई में बैठे को लीडर है शरद पवार जैसे, खैर उसका इतना मतलब इस वीडियो से उसका इतना सरोकार नहीं है, तो छोड़ देते हैं उसको। मोटा मोटी बात यह कि उनको ये है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में बैटिंग एक्सचेंज बैटफेयर को बैन कर दिया। अब सारा पैसा बैटफेयर जितने जाता है, इंडियन एक्सचेंज इतने सारे आ गए हैं, ये सारे स्काई एक्सचेंज, रोटा स्पोटा जितने भी है ना, ये सब आपका देसी है, यानी कि इंडियंस है, इनका पैसा इसमें लगा हुआ है। लोड शेयर जो है बैटफेयर से बहुत कम हो गया है, लिक्विडिटी बैटफेयर बहुत कम हो गई है इन कंपेरिजन ऑफ पहले के सीजन। तो उनको ये है कि यार हर जगह तो हमारे मार रहे, तो इसलिए ये लोग 100 को लाए हैं। इनको ऐसे उम्मीद है कि आईपीएल को टक्कर देगा, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता, उसके रीजन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बात करें वेन्यूज की, तो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है, इसको अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको हेल्प करेगा जब आप मैच पे बैट करने जाओगे ऑन द वेरी डे। देखो क्या है कि कई बार आप देखो, ये ग्राउंड है सोफिया गार्डन्स, थर्ड नंबर का, इसमें एक साइड की बाउंड्री बहुत बड़ी है, एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी है। ये अभी रिसेंटली इस्तेमाल हुआ था आपका सेकेंड T20 में इंग्लैंड और अफ्रीका में। तो कई बार आपने देखा होगा 5 ओवर में मारो 70 रन चाहिए, भाव चला है 30 पैसा, ठीक है, और अब 4 ओवर में चाहिए 62 और भाव कर रहे 40 पैसा, तो आपको अरे यार इसको रेट सपोर्ट कर रहा है, अरे इसको मार्केट सपोर्ट कर रहा है। वो ऐसा नहीं होता, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस एंड पे बैट्समैन अब गया है खेलने, उस तरफ से लेग साइड की बाउंड्री छोटी, कुछ बैट्समैन है पूरन, रसल, डेविड, ये लेग के छक्के मारते, तो उनको ये आइडिया है कि अब इस बेस्ट बैट्समैन का ज्यादा चांस है, ये अब शॉट मारेगा तो लेग में आउट होने के चांस कम है क्योंकि बाउंड्री छोटी है, तो भाव को बढ़ा देते हैं। जैसे कई बार राशिद खान आता है, तो राशिद खान आके विकेट लेगा या नहीं लेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो भाव बढ़ा देते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही फंडा होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर अभी रहेगी सेव मैच के टाइम में, इसको आप कंसिडर करोगे, हालांकि मुश्किल होता है क्योंकि आपको दिखाएंगे नहीं, वो फटाफट से ऐड आते हैं मैच के बीच में, तुरंत से फिर ओवर चालू कर देते, तो इतना बनने के बाद टाइम नहीं होता कि वो देखे, लेकिन फिर भी थोड़ा एक मोटा मोटी एक आइडिया आपको रहे इससे। द ओवल बैटिंग ग्राउंड है, आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, बाकी तो स्टैट्स आपके आज के ऐप पे आ जाते हैं। द ओवल बैटिंग ग्राउंड है, प्योर टोरंटन जो है प्योर बैटिंग ग्राउंड है,
सोफिया गार्डन अभी रिसेंटली यहाँ पे मैच हुआ था, ये उतना बैटिंग फील्ड नहीं, इतना रन बनाया अभी साउथ अफ्रीका ने। इस बार की पिच बहुत पाटा थी और रन बन के पता नहीं लैंड ने कैसे खाए, भगवान जाने, पर इतने रन बनते नहीं है जनरली इस ग्राउंड पे। 170 आप मानो चेज होना बहुत मुश्किल है। रोज बाउल, ये प्रॉपर ग्राउंड है, गोल और बड़ा ग्राउंड भी है। ये पहला मैच इस पे हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, इंडिया ने 198 मारे थे। इतना हाई स्कोर वहां भी नहीं बनता है। मैं बता दूं आपको, पूरे नेटवर्क में एक बार शायद 200 बना है, शायद वो भी नहीं बना एक बार, पर इनमें बन गया। क्या आजकल उल्ट पुल्ट काम हो रहे हैं सब। अगला ग्राउंड है रिवर साइड, इसके बारे में मेरे पास मतलब ध्यान नहीं आ रहा है ये ग्राउंड मेरे को उतना। चौथा है ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर वाला ग्राउंड है, काफी बड़ा ग्राउंड है ये और गोल है, प्रॉपर ग्राउंड है, यानी कि ये ग्राउंड भी एक हद तक डिफेंडिंग ग्राउंड बोलेंगे, अगर एक बार 180 बन गया तो ये डिफेंड होने के चांस बन जाते हैं। फिर है लॉर्ड्स, साइड बाउंड्री छोटी है, स्ट्रेट बाउंड्री आपकी लंबी है, इसमें भी ये भी डिफेंडिंग ग्राउंड रहा है ट्रेडिशनली। इस बार पिच थोड़ी हल्की टिंज ग्रास बढ़ाई गई है, तो शायद मे भी ये डिफरेंट तरह से प्ले करे। हेडिंग लिए प्योर बैटिंग ग्राउंड है, जब मैं प्योर बैटिंग बोलता हूँ इट मीन्स कि उस पर बैटिंग बॉलिंग दोनों को इवन चांस है, बल्कि बॉलिंग को ज्यादा चांस है, यानी कि जो टीम चेज कर रही है उसको ज्यादा चांस है। फिर ट्रेंट बिज ग्राउंड है, ये प्योर बैटिंग ग्राउंड है। फिर एज वेस्टन है, ये फर्स्ट बैटिंग ग्राउंड है इस बार अभी तक जो सीजन में रहा है नेटवेस्ट में। फिर आखिरी ब्रिस्टल, ये चेजिंग ग्राउंड है, जहाँ भी रिसेंटली मैच हुआ था, यहाँ पे स्मिथ स्टब्स ने 8 छक्के मारे और बेयरस्टो ने 8 छक्के मारे हैं, ये वही ग्राउंड था। बात करें रूल्स की, तो कुछ रूल्स जो आपको पता होंगे कुछ मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे 25 बॉल का एक ओवर, सॉरी 25 बॉल का पावर प्ले होता है। कुछ लोग, काफी लोग बल्कि ऐसे थे जो पिछले साल 6 ओवर का पावर प्ले समझ के सेशन मारे गए, कि 6 ओवर का पावर प्ले उनको ध्यान ही नहीं रहा। एक आधी बार मेरे साथ भी हुआ, कह दिए। और 5 बॉल का एक ओवर होता है और एक बॉलर लगातार 10 बॉल ला सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है इस गेम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 25 पे 30 चाहिए, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन राशिद खान के 10 बॉल बची हैं और वो 10 बॉल लगातार डाल जाए और उन 10 बॉल में 2-3 विकेट ले जाए, गेम पूरा बदल जाएगा। तो ये रूल्स कुछ ऐसे हैं, अगर आप 100 में ना, अगर आपने रूल्स में आपने गलती की, तो हो सकता है कि आपकी जहाँ बुक बनने की नौबत आई थी वहां से उल्टा माइनस ही होकर बैठे। बहुत बहुत ज्यादा इसमें गेम फटाफट चेंज हो जाता है इसमें, क्योंकि रूल्स ही ऐसे हैं। एक और रूल इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपने विद इन द टाइम अपने ओवर कंप्लीट नहीं किए, तो आपको एक फिल्टर, जैसे 5 फिल्टर बाहर होते हैं, तो आपको 4 बाहर करने पड़ेंगे, एक आपको अंदर बुलाना पड़ेगा। लास्ट ईयर इस गलती से बर्मिंगम फिनिश ने एक मैच लूज किया सदर्न ब्रेव को, सेम कंडीशन की वजह से। तो ये सब चीज है, देखो आपको ध्यान होनी चाहिए, ताकि एक फास्ट पेस मैच में, ये 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा नेट का मैच, तो आपको इतना समय नहीं होगा सोचने का। आपके पास वनडे में होता है या टेस्ट में होता है, इवन T20 भी थोड़ा सा लंबा लगता है इसको देखने के हिसाब से। सही हो गया, बाकी जो है ना आप पढ़ लेना, मैं बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ये लास्ट ईयर की देखो पॉइंट्स टेबल है, बर्मिंगम, सदर्न, ट्रेंट रॉकेट और ओवल इनविंसिबल, ये 4 टीमें थी जो पिछली बार टॉप 4 में रही थी, और बॉटम 4 की भी आप देख लो कौन सी टीम है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि पिछले साल किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया था। सही हो गया, मिलियन डॉलर क्वेश्चन के भी 100 कैसा रहेगा फॉर पंटर्स। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इंग्लैंड माफिया विल नॉट गिव इजी मनी। पिछले साल 100 अच्छा हुआ था, लोगों ने ऐसा बनाया था। इस साल का जो ट्रेंड देख रहा हूँ ना, वो ये है कि माफिया पैसे देने के मूड में नहीं है। जुलाई में तो बिल्कुल ही बुकी मंथ गया, मैंने बताया था लेकिन आपको एडवांस में कि जुलाई बुकी मंथ जाएगा, इसलिए हमने काफी कम मैचेस किए इस मंथ। तो जो इंग्लैंड माफिया है वो आपको इस बार भी आसानी से पैसा नहीं देगा इस टूर्नामेंट के अंदर। दूसरी बात, वुमेन्स का जो 100 है वो मेरे हिसाब से मेंस के 100 से ज्यादा पैसे देगा, तो ज्यादा ना ज्यादा जो है वहां बना के आप रखिएगा। इस टूर्नामेंट में आपको एक चीज और मिल सकती है, जो आप, मैंने आपको PSL ने बताई थी, जो आपको मैंने IPL ने बताई थी, कि भाव पकड़ के रखेगा। अब ये नया इन्होंने फंडा पकड़ा है कि भाव वो भींच के रखो, बंदे को फंसाओ, उसकी उसकी बुक अगर 30 में बननी है तो 60 पैसे का भाव दो, उसकी फाड़ के रखो। ठीक है, जो बंदा 60 जिसको लगाना है उसको भी कम भाव दो, उसको खाना है उसको ज्यादा भाव दो, क्योंकि अगर 60 पैसे का भाव है तो लगातार कोई नहीं खाता ही आदमी, तो वहां नुकसान होता है बंदे को। और 60 से मान लो जब उसका भाव होना हुआ 75 पैसा, 90 पैसा, और रख रहे हैं वो 75 पैसा, तो बंदे को वहां भी जोड़ दे रहे हैं 15-20 पैसे। तो ये एक नया फंडा इन्होंने पकड़ा है, तो ये मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में भी चलेगा। तीसरी बात, मेरे हिसाब से देखो स्ट्रीट स्मार्ट पंटर कमाएगा, बहुत स्मार्ट पंटर होगा, जिसमें बहुत पेशेंस होंगी, बहुत स्किल्स होंगी, लक भी होगा, मेरे हिसाब से वो कमाएगा, या तो फिर अनाड़ी बंदे का तो ये साल 2022 है ही है।
मतलब कि आप ये देखो, जो बंदा ये है ना कि मैं अपनी टीम पे बैठा हूँ और अगर उसका लगातार चल गया तो उसकी टीम उसको मिल जा रही है पलट के, अब बिल्कुल डेड ऐसे नहीं हो रहा। हाँ उसमें ये भी है, बहुत जिनका लक खराब चला होगा वो जीरो हो जाएंगे उस केस में, क्योंकि जब आप प्योर गैम्बल करते हो कि मैं तो अपनी टीम पे लूंगा लूंगा, तो यह तो बहुत आता है या बहुत जाता है उस केस में। ये अगर आपके 5 मैच खराब चले गए तो आप हो गए जीरो लाइन से आउट। तो ये मोटा मोटी बात है मेरे हिसाब से कि मेंस 100 उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जितना वुमेन्स 100। बाकी जब वुमेन्स 100 का प्रीव्यू करेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको बताएंगे। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको क्रिकेट की प्रोडक्शन मिलती रहे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी और है कि यार इसको सर्च करके बताना, मैं लिंक को जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप या तो वहां से आए, और अगर लिंक से आपको ज्वाइन को इशू है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको लिंक शेयर करके ज्वाइन करा दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। बात करते हैं टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं। देखो वैसे तो इस समय टॉप 4 टीम से कोविड चला है ना, काफी टफ हो गया प्रेडिक्ट करना, क्योंकि प्लेयर्स एक इस लीग में भी खास तौर से पूरे टूर्नामेंट के लिए आते नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक कहीं नहीं है कि कौन सा प्लेयर कितने मैच खेलेगा। पर जो भी इन्फॉर्म अभी मैंने स्क्वाड देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये 4 टीम दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये 4 टीम जीतेंगी, मतलब टॉप 4 में आएंगी। इनमें से 3 तो रिपीट हो रही है, साउदर्न ब्रेव लास्ट ईयर चैंपियन, ट्रेंट रॉकेट्स, बर्मिंगम बियर्स, ये 3 टीम रिपीट हो रही है। ये लास्ट ईयर भी क्वालिफाई की थी, इस बार भी क्वालिफाई करेंगी। और चौथी टीम जो अंदर में ला रहा हूँ वो है मैनचेस्टर ओरिजिनल्स, जोस पटला की टीम, इसको मैं अंदर ला रहा हूँ। बाकी मुझे लगता नहीं कि लंदन स्पिरिट जो है, जो मॉर्गन की टीम है, इस बार भी वो अंदर आएगी, क्योंकि वो माफिया की टीम है और माफिया यही उम्मीद लगाएगा लगवाएगा लोगों को कि ये टीम लंदन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आपने अगर आपसे मैं इंग्लैंड के शहर का नाम पूछूं आप बोलोगे लंदन, बैटिंग की कंपनी सारी लंदन में है, और इंग्लैंड के जो कप्तान है वो लंदन का रह चुका है, यानी कि इंग्लैंड का रह चुका है, और लंदन जो टीम है ना वो मिडिलसेक्स टीम है, और मिडिलसेक्स का कप्तान भी मॉर्गन है। अब आप देखो तो यानी कि पूरा गढ़ हो गया मॉर्गन के तरीके से, फिर भी मुझे लगता है कि वो लोग हारे, इस बार भी हारे। खैर, और एक और चीज मुझे खान चाह रहा है, एक सरप्राइज ऐसा मेरे मन में आ रहा है कि देखो दो केस में ना बंदे बहुत मोटा पैसा हारते हैं, एक जबकि बहुत अच्छी टीम बहुत खराब खेल जाए, और एक जब बहुत खराब टीम यानी एक वीक टीम को बोले वो बहुत अच्छा खेल जाए, जैसे गुजरात की टीम थी। आप सब बोलोगे वो अच्छी टीम थी, मैं बोलूंगा वो अच्छी टीम नहीं थी। अब वो जीत गिना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ वो अच्छी टीम नहीं थी, क्यों? उसमें 4-5 प्लेयर्स मैच विनर थे, जैसे हार्दिक पांड्या, मिलर, फर्गुसन, लोकी फर्गुसन, रशीद खान, ये 4-3 4 प्लेयर मैच विनर थे, पर बाकी प्लेयर एवरेज थे। चाहे वो शुभमन गिल हो, कोई एवरेज प्लेयर है T20 का, तो वेड तो चला ही नहीं पूरे टूर्नामेंट में, साहा एंड में आया थोड़ा अच्छा खेला, बाकी अभिनव मनोहर था, आप देख लो ना बाकी प्लेयर का इतना नाम नहीं, और फर्गुसन अच्छा खेला नहीं, फिर भी वो डीप हुई क्योंकि माफिया उनके साथ था। 2 बोले 12 चाहिए लगवा रहे हैं, 1 ओवर में 25 चाहिए लगवा रहे हैं, कहीं से भी उनको अंदर जितवा रहे हैं मैच के अंदर, तो वो एक गलत चीज थी। लेकिन वो क्योंकि उस टीम पे लोग उतना भरोसा नहीं था, वो टीम को थ्रू उड़ाते गए, और मुंबई जैसी टीम थी, बहुत अच्छी टीम थी, उसको उन्होंने बाहर करवा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है इस टूर्नामेंट के अंदर सदर्न ब्रेव जो है, हालांकि मेरी ये मुझे बहुत टीम पसंद है, ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं माफिया को रीड करूं तो वो ये ऐसा कर सकते हैं कि साउदर्न ब्रेव को बाहर करवा, लास्ट ईयर की चैंपियन भी रही है और लोगों का इस पर पैसा भी लगेगा, इससे उम्मीद भी रहेंगी, तो उम्मीद रहेंगी तो ये हगेगी, हगेगी तो लोग हारेंगे, ऐसा मेरा हंच है। पर अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ऑन पेपर पसंद है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये 4 टीमें टॉप 4 में पसंद है। अब बात करते हैं एवरग्रीन एडवाइस की, जो मैं सभी टूर्नामेंट के लिए देता हूँ, हमेशा देता आया हूँ, फिर दूंगा, इसको याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जब भी कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हो आपने एक्साइटेड नहीं होना है, माफिया आपको इतना क्रिकेट देगा फ्यूचर में, इतना देगा आप थक जाओ खेल के, ठीक है? देखो अभी क्या, अब आप लो साल के एंड से दिसंबर जनवरी में चलता है बिग बैश, जनवरी खत्म होते ही आपकी आएगी इस बार मैदानी सुपर लीग, जिसको इंडियंस करवा रहे हैं, ठीक है? सारी टीम इंडियंस ने खरीदी वहां पे, आपका मैदान से खत्म होगा जनवरी एंड में, फिर आपका आएगा एक नई लीग आई है यूएसए, वो भी इंडियंस करवा रहे हैं, फिर आपका PSL, ठीक है 1 महीना, फिर आपका IPL 2.5 महीना, फिर आपका नेटवर्क चलता है 2.5 महीना, फिर आपका 100 आ गया, फिर आपका CPL आ गया,
फिर आपका लंका प्रीमियर लीग आ गया, फिर आपका कोई इंटरनेशनल भी चलते रहते, साथ साथ वुमेन्स भी चलते रहते, तो इतने मैचेस हैं, आप क्यों एक्साइटेड होते हो? मैं तो स्केड्यूल तक नहीं देखता, दिन शुरू हुआ उस दिन देखा कि भैया क्या स्केड्यूल है, ठीक है, या एक दिन पहले देख लिया क्या स्केड्यूल है अगले दिन का, आगे क्या होना है वो देखना ही नहीं अपने अपन, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक्साइटेड नहीं होना, एक्साइटेड होके ज्यादा पैसा लगा के आपको हमेशा इसमें नुकसान हो जाएगा, बस मेरा आपसे यही कहना है। दूसरी बात, जो आपका बैंक रोल है उसको आप कम से कम 10% तोड़ लो, यानी कि आपके बैंक में अगर 1 लाख पड़े कम से कम उसको 10,000 रुपये पर मैच बनाओ, मैं तो कहूंगा जितना ज्यादा बनाओ उतना अच्छा। तीसरा पॉइंट यही है कि स्मॉलर चंक इज इक्वल टू लेस रिस्क, लेस रिस्क इज इक्वल टू बेटर डिसीजन मेकिंग। होता क्या है देखो, एक तो अगर आपने अपने पोर्शन बढ़ा लिए हैं बैंक रोल के, तो उससे होता क्या है, आपके खराब मैच चले गए लाइन से 2, 3, 4, 5, आप तभी मार्केट में टिके हुए, आपको डर नहीं लगेगा, कहने को तो आप 10 आपके पास लिमिट है, आप 5 आ रहे तब भी 5 आपके पास है, लेकिन आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आपने उसके 20 हिस्से कर लिए, 5 चले गए, आपको डर लगेगा, आपके 15 है मेरे मौके, कहाँ 5 मौके कहाँ 15 मौके, आपको डर नहीं लगेगा। ये गेम साइकोलॉजी का है और ये आपको हेल्प करेगा बुरे समय में। अच्छा हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बुरे के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको। दूसरी बात देखो, जब आपका रिस्क छोटा रहता है, जैसे मान लो किसी मैच में अगर आपका 20,000 जाने को है, आपके लिमिट 20,000 है, आपकी 20 जाने को है, आपको 50 आने को है, या 30 आने को है, 40 आने को, जो भी आने को, अब मैच चलेगा लास्ट ओवर में, लास्ट के ओवरों में 5 ओवर में आप चाहिए 50 रन अपोजिट टीम को या आपकी टीम को, अब मैच तो किधर भी जा सकता है, एक अच्छा ओवर आ गया आपके फेवर में तो आप वो बन जाएगी, आपकी आपके फेवर में आप सॉरी आपके अगेंस्ट चला गया तो आप 0 हो जाएगा, डेड हो जाएगा मैच। तो उस केस में आदमी को समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, एक मन कह रहा होता है यार वेट करना चाहिए, मेरा दिल कह रहा है टीम जीतेगी, दिमाग कह रहा था नहीं जीतेगी, आदमी उस समय इतनी उलझन में होता है कि वो डिसीजन ले नहीं पाता। और कई बार ऐसा होता है जब एग्जिट लेता है तो उसकी टीम जीत जाती है, टिका रहता है तो उसकी टीम हार जाती है, दोनों केस में लॉस होता है। तो इसमें बेटर क्या है कि अगर आपका रिस्क हल्का है, मान लो 20 की जगह आपका रिस्क होता है 5 लाख, तो आप अपने आप से कहोगे कि भाई मेरे 5 चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा 25% जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा साले को, ठीक है, आप खड़े रहोगे हौसले के साथ। तो जितना छोटा आपका रिस्क होता है मैच के अंदर, उतना ज्यादा आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो आपका अच्छा हो जाता है, ये मेरी सलाह रहेगी आपको हमेशा रहेगी, ये इस टूर्नामेंट के लिए नहीं है। चौथी बात, लर्न फ्रॉम ऑल बट ब्लेम नन। देखो सबके चैनल में आप होंगे, ये ऑब्वियस बात है, सबसे कुछ ना कुछ सीखो, उनकी बातों को एनालाइज करो, पर जो आपने डिसीजन लेना है वो खुद से लो, ठीक है, सुनो सबकी, करो अपने मन की वाली बात है, सबकी बातों को सुनो, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कोई डाउट हो उनसे पूछो। बट ये नहीं होना चाहिए कि मैं अक्सर कई लोगों को देखता हूँ क्या करते हैं वो, कि इंतजार में बैठे होते हैं कि कब इसका मैच खराब जाए और हम जाके इसको ना 2-4 अच्छे अच्छे प्रवचन दे, तो भाई प्रवचन मत दो यार, अपने पास रखो, ठीक है, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ये मेरे टिपरों से बात होती है वो भी कहते हैं यार ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो वो गलत चीज हो गई। खैर चलो उसके बारे में फिर के बात होंगे, समझाने की बात यह है फोकस करो से अपने सीखने पे, अगर आपको कोई टिपर पसंद नहीं आ रहा चैनल लेफ्ट मार दो उसका, म्यूट कर दो उसको, आपके हाथ में आने चीजें। तो चलो बाकी आपसे फिर कहूंगा कि जो मेरा अदर चैनल उसको सब्सक्राइब कर लो, वहां पे मैं टीम्स के प्रीव्यू करता रहता हूँ, अलग अलग वीडियो डालता रहता हूँ। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, गुड बाय एंड गुड लक फॉर द 100 एंड द रेस्ट ऑफ द फ्यूचर सीरीज।